महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इस वक्त विनोद तावड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। जैसे जो जो क्वेरी निकाली गई उसके बारे में, जैसे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्या, तो वो फर्निश की गई, फिर उसमें आरसी अधिकृत नहीं है तो वो डायरेक्ट ऑफ सप्लाईज और डिस्पोजल के सर्टिफिकेट के द्वारा कैसे उसकी जानकारी दी गई। 15 फरवरी के बाद परचेस ना करें तो ये परचेस पहले ही उसकी ऑर्डर गई थी, या फिर ये पहली बार कर रहे हैं क्या, तो 27,000 स्कूलों में पहले ही दिया गया है, उसके कौन से डेट की मान्यता है वो जानकारी दी गई। 191 करोड़ की खरीदी हुई क्या, तो 191 तो छोड़ो, हमारे पास जो 16 करोड़ शिक्षा डिपार्टमेंट के बचे थे उतनी भी हमने खरीदी नहीं की, हमने तो उल्टा हमारे पास जो पैसे थे उससे हम 16 करोड़ की परचेस कर लेते तो भी फाइनेंस ऑब्जेक्शन नहीं लेता, कि हमने ये फाइल फाइनेंस के पास भेज दी और जब उन्होंने बात हमारे ध्यान में लाई वित्त मंत्री जी ने, तो तुरंत मैंने वो फाइल क्लोज कर दी। और इसलिए जो वित्त मंत्री की ऑब्जेक्शंस है उसके बारे में इंक्वायरी करने की बात भी मैंने हमारे एजुकेशन कमिश्नर डॉक्टर बाबकर है उनको भी कहा। मेरे ख्याल से एक सेकंड भाई साहब, एक प्रश्न एक ने किए तो उसका अच्छा जवाब जाएगा। और मुझे लगता है कि एक बार चंद्रकांत दादा कुछ हिंदी में बात कहेंगे, उसके बाद एक प्रश्न आपने पूछा तो ये संदिग्धता भी दूर होने में आपकी भी मदद होगी। हमें राज्य को बहुत तेजी से आगे ले जाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। पंकजा मुंडे के बाद महाराष्ट्र के एक और मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और इन आरोपों पर अब से थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देने में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 16 करोड़ का जो बजट उन्हें शिक्षा के लिए एलोकेटेड है वो बजट भी अभी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाया है, उसमें से भी बहुत कम अमाउंट ऐसा है जो खर्च किया गया है। ऐसे में गड़बड़ी देने के जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तमाम बातें, ये अपना पक्ष उन्होंने मीडिया के सामने रखा।